नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेवी एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप का एक मैथ का मॉक टेस्ट, यानी कि इम्पोर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे आपके नेवी एमआर एग्जाम और एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है मैं आपको कराने वाला हूँ। इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोज टाइम टू टाइम मिल सके। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए हमसे बोला है एक कार्य है उसको 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो 12 आदमी व 16 पुरुष, सॉरी 12 आदमी व 16 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो उसने हमसे कहा है कि 6 मैन या फिर 12 वोमेन। ध्यान रखें, जब भी आपसे उस या बोला जाए, या का मतलब या तो ये करेंगे या ये करेंगे। इस कार्य को कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, वो 20 दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो उसने हमसे क्या बोला है आगे, 20 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी व 16 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं इन दोनों की क्षमता निकाल सकता हूँ। इन दोनों का जो क्षमता का अनुपात है वो मेरे पास 2:1 आता है। कितना आता है, 2:1 आता है। अब आगे हमसे क्वेश्चन में बोला है, देखिए 12 आदमी, उसने हमसे कहा कि 12 मैन प्लस 16 वोमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मैंने माना x दिन में करेंगे। टोटल वो कार्य कितना हो जाएगा, देखिए वो 20, वो 6 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं और 20 उनका काम है, 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं वो 20 दिन के अंदर कर रहे हैं। और ये क्यों, ये मैंने 6 क्यों लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए एक मैन की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस 6 को लिया है। अब देखिए वो मैन की जगह मुझे रखना है मैन। अब यहाँ से देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 man = 2 women, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एक मैन की वैल्यू 2 वोमेन के बराबर है। ध्यान से देखो तो 2 वोमेन, यहां पर देखो ये मैंने लिख दिया 12m प्लस, यहां पर मैं 8m लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्योंकि 16w की वैल्यू, 16 वोमेन की वैल्यू 8 मैन के बराबर हो जाएगी। और इनटू में वही कर दूंगा मैं x, और जो कार्य है वो मेरा कितना है, 6 × 20 × m। ठीक है, एम से ये आपका जो कॉमन आकर एम कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए कितना हो जाएगा, 20 × x = 20 × 6। एम कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बोलो 6 दिन के अंदर समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कि एक व्यक्ति चाय को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो लाभ या हानि क्या होगी। मैंने माना कि टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, 1000। अब वो 10% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो उस चीज़ को 900 रुपये की बेचेगा। यदि वो 10% की हानि पर बेच रहा है तो उसको 900 रुपये की बेचेगा। उसने कहा है हमसे कि 900 ग्राम तोलता है, 1000 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम तोलता है, 900 ग्राम तोलता है। इसका मतलब यदि मैं बात करूं 900 रुपए की कोई चीज़ को ले रहा है, 900 में ही बेच रहा है, तो उसको ना तो लॉस होगा और ना ही उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देन इसका आंसर है जो आ जाएगा कि ना ही लॉस होगा और ना ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा कि 1200 रुपये तथा 1000 रुपये को 3 वर्ष के लिए एक ही दर पर दिया जाता है, तो साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये है, तो दर ज्ञात करो। देखिए उसने कहा है हमसे कि दो हमारे पास धनराशि है, एक तो 1000 है और दूसरा है मेरे पास 1200। ध्यान से समझो, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। लेकिन यहाँ पर एक बात समझो कि मेरे पास दो वैल्यूज है, एक तो 1200 और एक जो प्रिंसिपल है वो 2 है। तो पहले को मैं मान लेता हूँ P1, और यहाँ इसमें से यदि मैं माइनस कर दूंगा ये हो जाएगा P2 RT/100।
भाई यही तो मेरा ब्याज है, ये 1200 रुपये का ब्याज, ये 1000 रुपये का ब्याज, और जो उनका डिफरेंस है वो कितना है 30। कितना डिफरेंस दे रखा है हमको, टोटल डिफरेंस हमको दिया हुआ है 30। यहाँ से देखो आर टी अपॉन 100 आपने कॉमन लिया, क्या लिया आर टी अपॉन 100 आपने कॉमन लिया, बच क्या जाता है मेरा पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू में कितना जाता है 30। 30 आ जाता है कि नहीं आ जाता, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। देखिए R को आपको एज इट इज रखना है क्योंकि इसे निकालना है, T की वैल्यू 3 है, अपॉन में कितना है 100, और यदि हम बात करें P1 माइनस P2 यानी कि पहली रकम 1200 दूसरी 1000 तो इनका अंतर कितना जाएगा 200 बराबर में कितना जाएगा 30, यहाँ दो जीरो से दो जीरो कैंसिल और ये 3 से कितनी बार कैंसिल 10 बार कैंसिल, जो R की मेरे पास वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5%, कितनी आ जाएगी 5% आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो देखते हैं हम, वो दिया हुआ है आपको 1/216^2/3 डिवाइडेड बाई 1/27^4/3, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं 216 को लिख सकता हूँ 6 का क्यूब अपॉन यहाँ पर 2^3 डिवाइडेड में मेरा आ जाएगा 1/27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3^3, ठीक है ये यहाँ पर कितना जाएगा 4/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, आगे देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/6^2 यानी कि कितना हो जाएगा 6×6=36, यहाँ पर बात करें तो 3^4 हो जाएगा यानी कि 1/81, जब इसे सॉल्व करोगे आप कितना जाएगा 81/36, दैन इसे आप करोगे 9×9=36, 9/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि 24 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत भार 35 किलोग्राम है। देखो 24 विद्यार्थी हैं और उनकी जब कक्षा में औसत भार यदि देखें तो वो कितना है 35 किलो है, कितना है 35 किलो। अब उसने हमसे आगे बोला है यदि जो टीचर है उसको भी शामिल कर लिया जाए, ध्यान से समझना यदि टीचर को भी शामिल कर लिया जाए, अब कंडीशन क्या होगी 24 से बढ़कर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। भाई पहले 24 विद्यार्थी थे, अब टीचर को शामिल किया तो 25 हो गए और जो उनका औसत वजन है वो 400 किलोग्राम बढ़ जाता है, सॉरी 400 ग्राम बढ़ जाता है यानी कि वो 35 से बढ़कर 35.4 हो जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है शिक्षक का भार क्या होगा। देखिए 24 विद्यार्थियों का औसत भार 35 है, यदि मैं टोटल इनका औसत भार निकालूं तो कितना जाएगा मेरा 24×35, ठीक है 35 मेरा आ जाएगा। उसके बाद मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 24 से 15 होता है 120 हासिल 12, 24 से होता है 72, 72 और 12 कितना हो जाएगा 84 यानी कि 840 हुआ इनका। यदि हम बात करें इनकी तो ये कितना है 35.4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 25, इसको यदि हम करेंगे कैलकुलेट 25×100 और उसके बाद 0 आ जाएगा, हासिल 10 आ जाएगी, 125 हो जाएगा उसका 5, हासिल 13, 25×75 और 13 कितना हो जाएगा 88 यानी कि ये कितना हो गया 885। ध्यान से देखो जब टीचर नहीं था तो 840 थी, टीचर को ऐड किया तो 885 हो गई, इसका मतलब वी कैन से दैट जो टीचर है उसकी जो वेट है वो कितना होगा 45 kg, कितना हो जाएगा टीचर का वेट 45 kg। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि 20 लीटर तथा 36 लीटर, देखिए ये मेरा 20 लीटर है और ये मेरा 36 लीटर है, इस तरह के दो मिश्रण हैं, उनमें स्प्रिट वे पानी का रेशो है जो 3:7 का है, इसके अंदर 3:7 का है और इसके अंदर जो रेशो है वो है 7:5 का, कितना है 7:5 का, दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए। भाई दो मिश्रण
उनको एक साथ मिला दिया गया। उसने बोला है कि नए मिश्रण में स्प्रिट वे पानी का अनुपात देखो। अब आप इसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि 3 और 7 10 7 और 5 12, नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। यदि आपको यहाँ पर क्वांटिटी सेम दी हुई होती तो आप इसे ऐड कर सकते थे, और यदि क्वांटिटी आपको फिक्स दी हुई होती तब भी आप ऐड कर सकते थे। फिक्स क्वांटिटी के लिए मुझे क्या करना होगा, यदि मैं 3:7 में इसको बांटना चाहूँ तो इसकी जो वैल्यू है वो 6 आएगी और इसकी आएगी 14। देखिए ये मैंने 3 × 6 किया, ये मैंने 7 × 14 किया, 14 और 6 कितना हो गया 20, इसका मतलब सही आ रहा है। इसी तरह से इसको करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई 7 = 21 और 5 = कितना हो जाएगा 15, ये इनका आ गया। अब आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा स्प्रिट है और ये मेरा वाटर है, ये स्प्रिट है और ये वाटर है, स्प्रिट को स्प्रिट में ऐड कीजिए, वाटर को वाटर में ऐड कीजिए, 6 और 21 कितना हो जाएगा 27 और 14 और 15 कितना हो जाएगा 39, 27:39 आपके पास, सॉरी 27:29 आपके पास करेक्ट आंसर के रूप में आ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो 6ठा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बहुत अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको डाले हैं। नेहा अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चले तो वो 12 मिनट लेट पहुंचती है। देख ध्यान से देखना, यदि नेहा 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है तो 12 मिनट लेट पहुंचती है, लेकिन यदि वो 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती तो वो 18 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो घर से स्कूल की दूरी देखो, पहले वो चल रही है 12 किलोमीटर पर आवर, फिर चल रही है वो 18 किलोमीटर पर आवर। मैं निकाल लेता हूं इनकी दूरी, जो इनका एलसीएम होगा वही इनकी दूरी होगी। इसका मतलब जो इनका एलसीएम है वो हमारा कितना होगा 36। 36 हम नहीं कह सकते 36, लेकिन वो 36 के रेशो में ही होगा जो आएगा। अब देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं टाइम, इसका टाइम कितना घंटा 3 घंटा, इसका टाइम कितना घंटा 2 घंटा। ध्यान से समझना, इस चाल से चलेगी तो टाइम 3 घंटा लेगी और इस चाल से चलेगी तो टाइम 2 घंटा लेगी। उसने हमसे बोला है कि 18 मिनट तो वो लेट पहले पहुंच रही है और 12 मिनट वो लेट पहुंच रही है, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में समय का डिफरेंस कितना है। जैसे देखो ये 3 घंटे में पहुंच रही है और ये 2 घंटे में, इसका मतलब इनका जो टाइम डिफरेंस है वो कितने का है, मात्र 1 घंटे का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो वो आधे घंटे का आ रहा है। ऐसे कि 12 मिनट तो वो लेट पहुंच रही है, 18 मिनट पहले पहुंच रही है, उन दोनों का डिफरेंस है जो सेल्फ डिफरेंस वो कितना रहा है 30 मिनट। यानी कि यहां पर एक की वैल्यू कितनी है 30 मिनट, इसे मैं घंटे में चेंज करूंगा कितना जाएगा आधा, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई आधा। तो हमारे पास मैंने क्या बताया था आपको कि दैट इज डिस्टेंस, ये क्या है मेरी दूरी, इसको मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा ये 18 किलोमीटर। यानी कि नेहा के घर से नेहा के जो स्कूल की दूरी है वो कितनी है 18 किलोमीटर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक बार मैं इसे रफ कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या दिया हुआ है, एलजेब्रा से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए x+1/x की वैल्यू यदि हमें 2 दी हुई है, हमें वैल्यू बतानी है x^1001/x^1000। अब आप इसे देख के आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या सवाल है, कुछ नहीं है। देखो इसको सॉल्व कीजिए, ये मेरे पास आ जाएगा x²+1=2x, x²-2x+1, ये मेरे पास क्या बन गई द्विघात समीकरण, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1 आएगी, कितनी आएगी x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू आप 1 यहां पर पिट कीजिए, 1 इसका और 1 इसका कितना हो जाएगा टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। बिल्कुल 30 सेकंड का क्वेश्चन है यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है आपको, a+b=90°। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, a+b=90°। यदि मैं बात करूं तो a/b की वो है 2:1, देन आपसे उसने पूछा है कि साइन a/sin b क्या होगा।
अब यार सीधा सीधा दिख रहा है, यदि ए और बी की वैल्यू 90 डिग्री है और ये दो अनुपात एक में, इसका मतलब ये होगा 60 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री, दोनों का आपके जो पैटर्न है उनको फॉलो कर रहा है। साइन ए यानी कि साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बटा 2 और अनुपात में इसकी वैल्यू कितनी 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट 3 अनुपात 1, कितना रूट 3 अनुपात 1 आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से आपका 9 नंबर क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या बोला है, देखिए 1500 रुपए की राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए हमें दिया हुआ है 1500 रुपए, कितना दिया हुआ है 1500 रुपए, और इसके लिए हमसे पूछा है कि 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। देखिए यदि हम इसे बेसिक से करें तो मैं आपको जब सीआई और एसआई पढ़ाऊंगा इसके बाद परसेंटेज का एक और वीडियो आएगा, उसके बाद बस सीआई और एसआई स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम इसी मेथड से करेंगे। पहले साल के लिए देखिए, पहले साल के लिए सीआई और एसआई बराबर होता है, ये कितने का लगेगा 10% यानी कि 1/10, कितना 1/10, ये कितना जाएगा 150 रुपए, ठीक है, ये कितना जाएगा 150 रुपए, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका जो 150 रुपए पहले साल का साधारण ब्याज है, 150 रुपए दूसरे साल का साधारण ब्याज है। यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली में होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की ब्याज पर ब्याज चलता है, तो ये पहले साल का ब्याज है तो इस पर भी 1/10 का हमें ब्याज मिलेगा, 1/10 का मिलेगा तो 15 रुपए हो जाएंगे। अब देखो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा क्या है, ये कंप्लीट मेरा एसआई है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, सी आई माइनस एस आई, ये कंप्लीट की यदि मैं बात करूं तो ये कह रहा क्या हो जाएगा मेरा सी आई। इस तरह से आप देख सकते हैं, जो भी आपसे पूछा है क्वेश्चन में वो आप डाल दीजिए, क्वेश्चन में पूछा है आपसे सी आई माइनस एस आई, देन सी आई माइनस एस आई क्या हो जाएगा 15, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 15 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 देखिए, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका दिया हुआ है मेंसुरेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6, 7, 8 है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। देखिए ये मैंने कोई फिगर बनाया इस तरह से, और ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर कोई बिंदु है और इससे तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है, तीनों भुजाओं पे इससे क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, और उन लंब की लंबाई है जो क्रमशः 6, 7 और 8 है, आपसे पूछा है कि इस जो भुजा है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम होती है, तो उसने पूछा है भुजा का वैल्यू क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स कोई भी जो समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर कोई बिंदु होता है, उस बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है P1 + P2 + P3 = √3/2 a, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके ये यहाँ पर काम आएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, भुजा की लंबाई, जहाँ पर ए क्या है भुजा की लंबाई, P1, P2, P3 क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, देखिए 6 + 7 + 8 = √3/2 a, 6 और 7 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 × 44, 44/√3, देखिए 8, 7, 15, 6, 21, 22, 42 और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर √3। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपके पास ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, क्वेश्चन नंबर जो 12वां है, क्वेश्चन नंबर 12 को हमें क्या दिया हुआ है, देखिए किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, कोई हमें आयत दिया हुआ है यानी कि एक रेक्टेंगल है,
उसकी जो लंबाई है वो हमें 3 दी हुई है और चौड़ाई 2, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, ये आपको अनुपात में दी हुई है। और इनका जो परिमाप है वो 20 है, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो मैंने माना कि 3x इसकी लंबाई है और 2x इसकी क्या है चौड़ाई है, हमको परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये मेरा हो जाएगा परिमाप, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, यानी कि 10x बराबर 20, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि ये लंबाई 6 है और ये लंबाई 4 है। उसने हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 6 इसका और 4 इसका, कितना हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर जो भी आपको दिया हुआ है। ऑप्शन आपका पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन हमने 12 किए, आप सभी बताना कि 12 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं वो आपने सही किए, कितना आपका स्कोर रहा। तो ऐसे और वीडियो पाने के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको क्या ऐसे वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।